Hello kids, this is your mentor Neetu. We are doing Cyber Creators Computer Book by Brain Root, Class 5. So today we are doing Chapter 6, Internet Services and Google Apps. So let us start. So in this chapter you will learn about Internet Services and Google Apps. So before we begin, write down any 8 uses of internet in the space given below. You know, internet is very useful nowadays. हमें कुछ भी information सर्च करनी है, कुछ भी हमें कुछ लर्न करना है, या कुछ हमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, या हमें बैंक का कुछ वर्क करना है, तो उसमें इंटरनेट इज वेरी यूजफुल. सो यू कैन राइट ऑन योर ओन दीज थिंग्स. नाउ वॉट इज इंटरनेट? Internet is defined as a network of millions of computers connected to each other worldwide through telephone lines or cables. You can relate the term internet to the telephone network or the interstate highway system, which is spread across and interconnected to each other. जैसे telephone network होता है, आपस में connected है, इंटरकनेक्टेड है, या हम देखते हैं जो हाईवेज बने हुए हैं ये भी क्या है, आपस में कनेक्टेड है. द सेम वे इंटरनेट. ओके, सो इट इज द लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन डेटाबेस एंड हैज बिकम अ वाइटल पार्ट ऑफ आर लाइफ. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइफ. हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हम आराम से ईजली गैदर कर सकते हैं. इट अनेबल्स द यूज़र टू शेयर आइडियाज़ एंड सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक. हम अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं. द बूमिंग टेक्नोलॉजीज ऑफ द मॉडर्न एज हैव मेड आर लाइफ मच ईजियर एंड मोर कनेक्टेड अक्रॉस द ग्लोब वाया इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स. इतनी टेक्नोलॉजी है कि हम अपने कुछ भी, हमें वर्ल्ड वाइड हमें कुछ भी नॉलेज चाहिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हम इंटरनेट की हेल्प से ईजली गैदर कर सकते हैं. ऑल्दो द नेटवर्क्स ऑफ टुडे हैव प्रोवाइडेड ग्रेट अपॉर्चुनिटीज इन ऑलमोस्ट ऑल स्फीयर्स, स्टिल देयर आर वेरियस टाइप ऑफ चैलेंजेस एंड थ्रेट्स associated with them about which we should remain cautious. So in this chapter we will give a brief introduction to several internet services like information retrieval, email, online chatting, video conferencing, e-learning, social networking, etc. तो हम इस chapter में थोड़ा detail में बात करेंगे email के बारे में, e-learning, e-commerce, okay, social networking. So like this. So now internet services. So let us learn about some internet services in detail. Information retrieval. The internet has made it easier to access and share information which can be in the form of text, picture, audio, video. किसी भी form में information हो, चाहे audio हो, चाहे कोई video हो, चाहे कोई text हो, चाहे कोई numerical data हो, कुछ भी आपको चाहिए तो आप easily इंटरनेट की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं. देर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट ऑन अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स सच एज न्यूज, बुक्स, प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा. कुछ भी आपने किसी प्रोडक्ट का सपोज आपने फाइंड करना है कि वो कैसा रहेगा हमारी स्किन के लिए, कोई आपने सपोज कॉस्मेटिक यूज़ करना है, कोई क्रीम यूज़ करनी है, देन यू कैन सर्च अबाउट दैट वन. कोई आपने बुक्स रीड करनी है, उसके बारे में आप नॉलेज गेन कर सकते हैं कि वो बुक कैसी है, उसके क्या व्यूज़ हैं, लाइक दिस. द सर्च इंजन्स ऑन द इंटरनेट हेल्प यू टू सर्च एंड फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट. कोई भी सब्जेक्ट है, आपने उसके रिगार्डिंग कुछ भी नॉलेज गेन करनी है, यू कैन फाइंड आउट ईजली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. ओके, सो सर्च इंजन्स आर वेबसाइट्स that allow the user to enter keywords related to the required information and search other websites containing the information. Some of the popular search engines are Google, Bing and Yahoo Search. Search engines kya hai? These are websites jo user ko allow karengi aap kuch bhi entry karte hain, आपने कोई भी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, आपने डाटा एंटर कर दिया लाइक रिगार्डिंग इंग्लिश बुक ऑफ क्लास 5 विच इज़ यूजफुल.
तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी. तो दीज आर सर्च इंजन, गूगल है, बिंग है, याहू. ओके, सो यू कैन सी इट नाउ. ईमेल, ईमेल क्या है? इट इज एन इकोनॉमिकल मोड ऑफ कम्युनिकेशन. इट फैसिलिटेट्स इन सेंडिंग द मैसेजेस एंड फाइल्स सच एज पिक्चर, सॉन्ग, वीडियो एटसेट्रा टू मल्टीपल पीपल एट द सेम टाइम. ईमेल से हम अपनी वीडियोस, कुछ भी पिक्चर है, ऑडियो है, कुछ भी हमें सेंड करना है तो हम मल्टीपल पीपल को एक ही टाइम पे सेंड कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स. देर आर मैनी साइट्स ऑन द इंटरनेट विच प्रोवाइड फ्री ईमेल फैसिलिटीज. सम ऑफ देम आर www.gmail.com, www.yahoo.com, www.rediffmail.com, etc. Email is different from postal mail. Postal mail can carry articles, gifts, letters, documents, which email cannot. Postal mail is sent at the postal address and email is sent at the email address. Okay, you can easily create an email account by filling a registration form wherein you have to choose your email address and password. आप अपना email address बना सकते हैं. It is very easy. After creating an account, you can use the email address and password to access your email account. और अगर आपने बाद में उसको use करना है तो आप अपना address and password डाल के उसको open कर सकते हैं. Then you can go through that. So now, Extrabyte, Zeri Yang and David Filo are the founders of www.yahoo.com. Okay? Yahoo is an American computer service company founded on March 2, 1995. Okay? Now, online chatting. Chat is a more personalized form of communication and is live. This amazing way of communication allow user and instant messages back and forth to each other. You can also interact with other users through voice and video chat. आजकल जब कोई हमारे friends हैं या loved ones हैं, abroad जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो हम video call से connect कर सकते हैं. Easily हम उनको देख सकते हैं, बात कर सकते हैं. So that is what? That is the online chatting. So, you can also interact with other users through voice and video chats. Chatting on the internet can take place via instant messenger, chat websites, chat rooms, etc. तो हम कैसे चैट कर सकते हैं? चैट वेबसाइट्स हैं, चैट रूम्स हैं, इंस्टेंट मैसेंजर है, तो इनकी हेल्प से हम ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हैं. राइट, नाउ द नेक्स्ट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. You must have seen a news reader on TV talking to a reporter at a far away place who reports directly to the audience. This is an example of video conferencing. आपने कभी न्यूज़ में देखा होगा जैसे रिपोर्टर बाहर होते हैं, किसी और जगह पे होते हैं, और जो न्यूज़ रीडर है वो अपने प्लेस पर है, बट दे कैन कनेक्ट टू ईच अदर. तो वो क्या है? दैट इज़ द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. So it has brought the world much closer. Video conferencing allows two or more users to have a live interaction with one another via audio and video transmission. It can be used for conducting meetings, interviewing job candidates, educational training and healthcare conferences. कोई भी business meeting है, interviews है, अब इनकी help से these are very easy. Okay, और उसमें time भी कम लगता है. So there are some sites such as www.videoconference.com that allow people to set up video chat rooms. Skype, Yugma, Adobe Connect, Ikaiga, etc. these are examples of some video conferencing applications. Now, e-learning means electronic learning. It refers to learning with the use of technology that enables people to learn anytime and anywhere. हम कहीं पर भी हैं, किसी भी टाइम हमें कुछ भी फाइंड आउट करना है, कुछ भी लर्न करना है, we can do it. So, learning through the internet helps in imparting knowledge by overcoming the limitation of time, distance and resources.
हमें उसके लिए टाइम भी ज़्यादा स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा. ओके, सो द इंटरनेट एक्ट्स एज अ ग्लोबल लाइब्रेरी फॉर अस. इट इज़ लाइक अ लाइब्रेरी जो हम कभी भी अवेल कर सकते हैं किसी भी टाइम. ई लर्निंग इज अ ब्रॉड टर्म. इट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज इन लर्निंग एंड टीचिंग. इट इज़ अ लेस एक्सपेंसिव देन ट्रेडिशनल लर्निंग. इसके लिए हमें एक्सपेंसिव बुक्स बाय नहीं करनी पड़ेंगी. तो इट इज़ चीपर देन ट्रेडिशनल लर्निंग. नाउ मेनी वेबसाइट्स ऑफर ट्यूटोरियल्स ऑन अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स. सम ऑफ देम आर www.schools.com, www.elearningforkids.organization.org, www.gcflearnfree.organization, www.abcya.com. So you can use any website for your learning. It's very useful, right? So now the next is e-banking. अब हम आते हैं e-banking पे. So जैसे name से clear है, e-banking means electronic banking. It is a net banking service that allows the users to monitor, transact and manage the bank accounts online. हम easily अपने घर बैठे फ़ोन पे या कंप्यूटर की हेल्प से अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, राइट. सो वन कैन मेक यूज़ ऑफ ई बैंकिंग सर्विसेज फॉर. हम इसको किस लिए यूज़ कर सकते हैं? व्यूइंग बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड अकाउंट बैलेंस एंड डाउनलोडिंग स्टेटमेंट्स. ओके, आपके पेरेंट्स इसको यूज़ कर सकते हैं ईजिली अपना अकाउंट फाइंड आउट करने के लिए कि उसमें कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, क्या स्टेटमेंट है. एंड ट्रांसफरिंग फंड्स, हमने कहीं ट्रांसफ़र करनी है मनी तो हम ईजिली कर सकते हैं. रिक्वेस्टिंग फॉर चेक बुक्स एंड डिमांड ड्राफ्ट एंड स्टॉपिंग चेक पेमेंट्स. हमने सपोज चेक बुक के लिए अप्लाई करना है और या फिर हमने अपने चेक बुक को बोलना है कि अभी इसको चेक से पेमेंट नहीं करना है, वॉट एवर द इंस्ट्रक्शन, तो हम कम्युनिकेट ईजिली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ई बैंकिंग. अप्लाइंग फॉर लोन्स, हमें किसी लोन के लिए अप्लाई करना है, वी कैन डू. पेइंग यूटिलिटी बिल्स, हमें कोई बिल्स पे करना है तो वी कैन डू. सो दिस इज़ द ई बैंकिंग. इट इज़ वेरी यूजफुल. इसमें हमारा टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा, हमें ऐसे बैंक्स में जाना नहीं पड़ेगा, राइट. सो लाइक दिस देर इज़ वन PNB, पंजाब नेशनल बैंक. वो अपना दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन. इट इज़ लाइक दिस, राइट. सो Now, to perform e-banking, follow these steps. अगर आपने e-banking follow करना है, means आपके parents ने या किसी elder ने, then what we can do? Open the website of the bank in which you have a registered online account. जहाँ पे हमारा account है, उस website को open करना है. Enter username and password. Perform the required transaction. जो भी हमें करना है, we can perform it. Now e-greetings, you already know that you can send mail over the internet. अभी हमने ई-मेल के बारे में बात की थी. So you can also send greetings card or e-greetings over the internet. E-greeting is an electronic greeting card that you can send over the internet to convey your wishes to a friend or relative. So nowadays आपने देखा होगा हम लोग use करते हैं like ऑलरेडी हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है या हैप्पी एनिवर्सरी या कुछ फ्लावर्स हैं या कुछ हार्ट्स हैं. तो दीज आर अवेलेबल इन कंप्यूटर और इन द फोन, तो वी कैन यूज इट. तो दीज आर ई ग्रीटिंग्स. ओके, सो देर आर मेनी साइट्स ऑन द इंटरनेट विच प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ सेंडिंग फ्री ई कार्ड्स. सो सम ऑफ द पॉपुलर ई ग्रीटिंग साइट्स आर एज फॉलो. द फर्स्ट वन www.123greetings.com, www.americangreetings.com, www.hallmarkecards.com, www.archiesonline.com, bluemountain.com, care2.com. So like this, some e-greeting sites are available. So now you can see over here one picture. Like celebrate with cards and gifts. It is given over here, Father's Day. Okay, so these are the ads by the websites.
So now, e-commerce stands for electronic commerce, which means online commercial activities. So the internet offers us convenient ways to shop from our homes or offices for almost everything, such as clothes, books, gifts, electronic items, etc. हम easily अपने घर बैठे या office में बैठे अपना जो भी हमें चाहिए requirement है हम order कर सकते हैं. That is what? That is e-commerce. Okay, अब आपने देखा होगा nowadays जब भी festivals आते हैं Amazon है या मयंत्रा है, इन भी क्या होता है सेल, तो लोग क्या करते हैं जो भी उन्होंने परचेज करना है, दिवाली है, फेस्टिवल है, दे कैन परचेज इट. सो वी कैन बाय एंड सेल न्यू और ओल्ड गुड्स ऑल्सो. दिस प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड ऑनलाइन शॉपिंग. इसको हम क्या बोलते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग. ओके, some of the useful sites of e-shopping are www.amazon.com, snapdeal.com, myantra.com, ebay.in, homeshop18.com, flipkart.com. okay, jaise ye aapke paas given hai amazon ka. so nowadays aap dekh sakte hain this is the amazon जो ऐड करते हैं, दैट इज लाइक इट इज़ लाइक दिस. इसमें आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, क्लोथ्स हैं, फैशन, पीसी है, टॉयज़ हैं चिल्ड्रन के लिए. सो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल. सो वट एवर यू कैन बाय, वट एवर यू वॉन्ट टू बाय, आप उसको परचेज कर सकते हैं. सो नाउ एक्स्ट्रा बाइट. फ्लिपकार्ट वॉज फाउंडेड बाय सचिन बंसल एंड बिनी बंसल in 2007. Flipkart Sachin Bansal aur Binny Bansal ne start kiya tha. It is an e-commerce based company in India. It has made online shopping quite popular across India. Now internet TV is a medium of delivering television content over an internet connection. Internet TV is also known as web television. It is almost the same as getting television through an antenna or a series of cable wires. The difference is that information is sent over the internet as data. At the same time, you can find even more variety on internet TV than cable TV. Internet TV hai, to aap uspe kuch bhi find out kar sakte hain with the help of internet. So rather than having a fixed time schedule designed by the channels, consumers can actively search and retrieve programs of their choice anytime. आजकल हम देखते हैं टीवी पे, हम यूट्यूब अपना ओपन कर सकते हैं, उसमें हम कार्टून्स देखना चाहते हैं, कोई मूवी देखना चाहते हैं, कोई भी चैनल, कलर्स है, कुछ भी, कोई भी शो, वट एवर यू वॉन्ट टू वॉच, हम उसको ईजली एनी टाइम वी कैन फाइंड आउट. ओके, सो नाउ अलॉन्ग विद मैनी ऑफ द सेम शोज यू फाइंड ऑन द बिग नेटवर्क्स, मैनी वेबसाइट्स ऑफर independently produced programs targeted toward people with specific interest. Some of the popular independent service providers of internet TV, Disney Hotstar and Sony Live etc. okay, kuch services apna unhone start kiya hai channel, like Disney Hotstar pe aap बच्चों का भी कुछ भी, वट एवर यू वॉन्ट टू वॉच, यू कैन वॉच ऑन दिस चैनल. और सोनी लाइव भी है. सो दीज आर द इंटरनेट सर्विसेज. ओके, नाउ इंटरनेट रेडियो. इंटरनेट रेडियो एज द नेम सजेस्ट इज एन ऑनलाइन रेडियो सर्विस दैट इज ब्रॉडकास्टेड ओवर द इंटरनेट ऑन डेडिकेटेड रेडियो सर्वर्स. It is broadcasted in much the same way as traditional radio. जैसे पहले टाइम में रेडियोज होते थे, ऐसे आजकल के टाइम में क्या है? इंटरनेट रेडियो. सो विद रिगार्ड टू इट्स प्रेजेंटेशन एंड फॉर्मेट, इंटरनेट रेडियो हैज बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस द लेट 1990s. अनलाइक द ट्रेडिशनल रेडियो स्टेशन विच हैज इट्स ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेशन टिपिकली अप टू 100 माइल्स. जो पहले रेडियोज होते थे उनका एक डिस्टेंस तक ही उनके सिग्नल्स जाते थे, बट द इंटरनेट रेडियो स्टेशन हैज़ नो लिमिटेशन. सो इट इज़ कैपेबल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ग्राफिक्स, टेक्स्ट एंड लिंक्स विद ऑडियो
thus serving all the senses of the listeners. So some of the popular internet radio services are Vivid Bharti, Radio Mirchi, Pandora, etc. Okay, now let us do name the different internet services. You can do it on your own. Now Google Apps. अब हम बात करते हैं Google की. Google provides several apps free of cost for your computer as well as mobile. Some of them are Gmail, Maps, Google Drive, Google Web Store, YouTube and Google Meet. To use the apps, you must get registered with the Google. Let us learn about some of the popular Google apps. The first one is Gmail. Google Mail or Gmail is one of the best and free mailing app accessible through a web browser over the internet. It's very useful. You are already familiar with the process of creating a Gmail account. Your Gmail account is used to access other apps of Google. अपने इस Gmail account से आप बाकी के apps को easily access कर सकते हैं. जैसे आपके पास ये है Google, this sign in, enter email or phone over here. Like this you get the message. Okay. Now Google Drive. Google Drive is a cloud-based storage service. The synchronization feature allows you to download and upload files into the remote server. With Google Drive, multiple users can access a single file at the same time at different location and from different devices. Same time pe multiple users, yani kafi sare log, एक ही डाटा को एक ही फाइल को असेस कर सकते हैं. ओके, सो यू कैन सेफली स्टोर योर फाइल्स ऑन गूगल ड्राइव. आप अपनी फाइल्स को भी इसमें स्टोर कर सकते हैं. देर आर नो फाइल टाइप रिस्ट्रिक्शन. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि फाइल किस टाइप में होनी चाहिए. सो द फाइल्स कैन बी इन एनी फॉर्मेट सच एज वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल वर्कबुक, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड PDF. ओके, ऑल द डाटा इन गूगल ड्राइव इज encrypted. You have to grant permission to others to access, edit or view your files. जब तक आप permission नहीं देंगे, कोई other person उसको use नहीं कर सकता. You can access your Google Drive files or documents from your smartphone, tab or computer. In simple terms, Google Drive provides you a cloud storage space on Google servers that allows you to store your media files and documents and access them with any device with an active internet connection. So to open Google Drive, follow the steps. Click on the Google Apps button, then click on the Drive icon. जब आप अपनी Google App open करेंगे तो आपके पास ये सब आ जाएगा जिसमें ये क्या है, Drive icon. Okay, this is the Drive icon, right? Google Sheets. Google introduced Google Sheets, a spreadsheet application, on March 9, 2006. It works like any other spreadsheet tool, but since it is an online app, it offers much more than just the spreadsheet tools. Google Sheet is free and accessible over the internet from anywhere across the globe. This is free of cost. कोई भी इसको access कर सकता है. Multiple users can work on the same spreadsheet simultaneously. साथ साथ काम कर सकते हैं multiple users. It works from any device including iOS means iPhone and Android. It has almost all of the similar spreadsheet functions like Excel. जैसे Excel में spreadsheet में function है, ऐसे इसमें function है. You can easily import data and information from other Google services. हम easily दूसरे app से, दूसरे Google services से information ले सकते हैं और directly from the web. Version history helps to find out which users have edited a file along with the edits each has made. Google Sheets has the option to open Excel files and convert them to Google Sheets. ये Excel file को Google Sheet में convert कर सकता है and vice versa.
You can also work offline, but to do so first you need to install and enable the Google Docs offline extension. आप offline भी work कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको उसे enable करना पड़ेगा, आपको install करना पड़ेगा Google Docs offline extension. Okay? Then to open Google Sheets, follow these steps. Click on the Google Apps button and click on the Sheets icon. जब आप Google App open करेंगे, उसमें Sheets icon is visible. Right? This is the Google Sheet icon. Now, Google Slides. Google Slides is an online version of Microsoft PowerPoint developed by Google in 2006. You can now give presentations online with the help of Google Slides. हम Google Slides की help से अपनी presentation कर सकते हैं. Google Slides presentations include templates, images, videos, animation, etc. You can also edit the presentation through your smartphone with the help of Google Slides app. आप उसको कुछ भी changes करने हैं उसमें, you can do it with the help of smartphone, and it is free and accessible from any device. You have a choice of sharing options for your Google Slides presentation. आपके पास sharing option भी है इसमें. It can be private, you can share it with a few people, or you can share it publicly on the web. आप इसको जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं. आप इसको प्राइवेट रखना चाहते हैं, आप कुछ लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, या वेब पे आप इसको शो करना चाहते हैं, यू कैन डू सो. यू कैन ऑल्सो चेंज द एडिटिंग राइट्स फॉर द प्रेजेंटेशन. इफ़ अदर्स आर ऑल्सो वर्किंग ऑन अ गूगल स्लाइड्स प्रेजेंटेशन, यू कैन चैट, लीव कमेंट्स एंड वर्क साइमल्टेनियसली ऑन द प्रेजेंटेशन. Your work is automatically saved as you work on your presentation. You can directly access Google search from your presentation. So to open Google Slides, follow these steps. Click on the Google App button and then click on the Slides icon. This is the slide icon you can see over here. Now YouTube. YouTube is the most widely used Google app. आजकल हम YouTube बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. इट इज़ अ वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन वेयर यूज़र कैन अपलोड देयर वीडियो, शेयर, कमेंट, वॉच एंड लाइक अदर वीडियोस. YouTube पे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपनी वीडियोस भी डाल सकते हैं. ओके, द यूट्यूब टैग लाइन, ब्रॉडकास्ट योर सेल्फ मीन्स एनी वन कैन अपलोड देयर वीडियो एंड शेयर इट विद अदर्स. ओके, ब्रॉडकास्ट योर सेल्फ, अपनी वीडियोज डाल सकते हैं, दूसरों के साथ हम शेयर कर सकते हैं. आफ्टर गूगल सर्च, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन. ओके, यूट्यूब वॉज फाउंडेड इन 2005 एंड सिंस देन बिलियंस ऑफ वीडियोज हैव बीन अपलोडेड एंड शेयर्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म. So the videos can be about any topic, any subject you can think of, right? YouTube has two types of user, video creators and video viewers. इसमें दो type के users हैं, एक videos देखने वाले और एक videos बनाने वाले, videos creators and video viewers. Now following are the feature of YouTube. Users can search for any particular keyword and watch videos. Create a personal YouTube channel, आप अपना channel भी बना सकते हैं. Upload videos to your channel, उसमें videos डाल सकते हैं. Like, comment, share other YouTube videos, okay? Users can subscribe, follow other YouTube channels and users, हम दूसरे channel को भी subscribe कर सकते हैं, okay? Like कर सकते हैं. Create playlist to organize videos and group videos together, right? So this is the YouTube icon. Now let us do name the different Google apps. So you can write down. Now computer manner. Always clean your computer with a soft and dry cotton cloth. Do not use a wet cloth as it may damage your computer. Now let us rewind. Internet is defined as a network of millions of computers connected to each other worldwide through telephone lines or cables.
You can relate the term internet to the telephone network or the interstate highway system, which is spread across and interconnected to each other. A search engine on the internet helps you to search and find information on any subject. Email is an economical mode of communication. It facilitates in sending the messages and files such as pictures, songs, videos, etc. to multiple people at the same time. Chatting on the internet can take place via instant messenger, chat websites, chat rooms, etc. E-learning means electronic learning. It refers to learning with the use of technology that enables people to learn anytime and anywhere. So I hope it's clear to you. You can go through this chapter. Any problem, then we can discuss it. Now let us try this exercise. Check yourself. A part, take the correct option. The first one, dash, is a search engine. So answer is Google. Then the second one, dash is not an e-commerce website. E-commerce website kaun si nahi hai? This is Bing.com. The third one, dash is not found in Google Apps. That is Facebook. It is not in Google Apps. The fourth one, Google Dash is a digital navigation program that provides detailed information about the geographical regions of any particular area, Google Maps. Now the fifth one, Google Dash is a free online word processing program, that is Sheets. So answer is A, right? Now the next is filling the blanks. The first one, YouTube has two types of user, the video creators and video viewers. The second one, dash refers to learning with the use of technology that enables people to learn anytime and anywhere. That is e-learning. Okay? This is e-learning. The third one, dash is an online version of Microsoft PowerPoint developed by Google in 2006. That is Google Slides. जैसे PowerPoint में slides होता है, ऐसे Google Slides. The fourth one, dash is a video sharing application where users can upload their videos, share, comment, watch and like other videos. कहाँ पे हम कर सकते हैं? YouTube. The fifth one, dash is a cloud based storage service, that is Google Drive. Okay, now see, write true or false. Google Sheet is a free online word processing program. Yes, true. The second one, Google Slides presentation include templates, images, videos, animation. Yes, it is true. The third one, Gmail is one of the best and free mailing apps accessible through a web browser over the internet. Yes, this is true. The fourth one, internet TV is also known as web television. Yes, it is also true. Now, e-banking means online commercial activities. No, online commercial activities means e-commerce. So this is false, right? So now D, answer these questions. The first one, write a short note on e-banking and e-commerce. E-banking means when we can work online banking, जो भी हमें bank का work करना है हम online कर सकते हैं, अपना हम account जो है उसमें जो भी transactions हैं हम easily कर सकते हैं. So that is e-banking. उसके लिए क्या होना चाहिए? हमारा account जो है उस bank में होना चाहिए और उसके लिए password and name we should know properly. ठीक है, तो हम उसको अपने फ़ोन के थ्रू, अपने कंप्यूटर के थ्रू हम अपनी जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वी कैन चेक. तो ई बैंकिंग में हम लोन के लिए भी अप्लाई करना है तो हम अप्लाई कर सकते हैं. देर इज़ नो नीड टू गो टू बैंक्स. ओके, सो सिमिलरली ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स में हम अपनी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं.
जैसे आपके पास देर आर सो मेनी वेबसाइट्स, अमेजोन है या मंत्रा है, तो हम घर बैठे कुछ भी हमें बाय करना है वी कैन डू बाय ई कॉमर्स. ओके, नाउ द सेकेंड वन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सर्च इंजन. सर्च इंजन क्या है? दीज आर द वेबसाइट्स जिसके थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं हम कर सकते हैं. लाइक गूगल है, याहू है, इससे हम क्या कर सकते हैं, अपना जो भी हमें फाइंड आउट करना है वी कैन डू इट. सो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गूगल ड्राइव. गूगल ड्राइव पे आप एक नोट लिख सकते हैं. इट इज़ ए क्लाउड स्टोरेज डिवाइस जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, अपनी फाइल्स बना सकते हैं, हम उसको कभी भी असेस कर सकते हैं, किसी के साथ शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं, और अगर उसको हम प्राइवेट रखना चाहे तो हम प्राइवेट कर सकते हैं. सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, हम गूगल ड्राइव की हेल्प से जितना भी डाटा है हम सर्च भी कर सकते हैं, उसको स्टोर भी कर सकते हैं, और एनी टाइम उसको हम असेस भी कर सकते हैं. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ गूगल मैप्स. गूगल मैप्स का क्या यूज़ है? अगर आप कहीं जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आपको कुछ प्रॉब्लम आती है नेविगेशन, आपको फाइंड आउट करना है कि किस रास्ते में जाना है, तो हम गूगल मैप की हेल्प ले सकते हैं. इससे हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी, हम कैसे जा रहे हैं, वहाँ पे कितना ट्रैफिक है, हमारा टाइम सेव हो जाएगा. सो इट इज़ वेरी यूजफुल. नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ यूट्यूब. यूट्यूब का क्या यूज़ है? यूट्यूब की हेल्प से हम अपने वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, हम अपना कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन अगर फाइंड आउट करनी है रिगार्डिंग एनी टॉपिक हम उसमें एंट्री कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, वो वीडियोज़ हमारे पास आ जाएंगी अनलिमिटेड. ओके, जो भी हमें सर्च करना है रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, सो इट इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल यूट्यूब. ओके, आप इसमें अपनी वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी के साथ शेयर कर सकते हैं थ्रू वीडियोस, राइट? सो आई होप इट्स क्लियर टू यू. सो यू गो थ्रू दिस चैप्टर, एनी प्रॉब्लम देन वी कैन डिस्कस इट लेटर ऑन. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे कनेक्टेड विद अस टिल द नेक्स्ट वीडियो. हैव अ नाइस डे. टेक केयर.